बैंकॉक में मैं आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीट में भाग लेने के लिए आया हूँ। यहाँ पर आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीट में लगभग 18 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और प्रतिनिधि वो सारे के सारे जो है डिफेंस मिनिस्टर्स ही हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से डिफेंस मिनिस्टर्स का ही फोरम है जो कि आसियान देशों से आते हैं। और एक में ऐसा यह ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है यहाँ पर कि आसियान कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स बैठकर विभिन्न मुद्दों पर परस्पर चर्चा करते हैं। और जहाँ तक इसका उद्देश्य है, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट बिल्डअप करने की दृष्टि से भी यह फोरम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ सस्टेबल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए भी सारे देश 18 के 18 देश एक दूसरे को इसमें कोऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी जब तक सस्टेनेबल ना हो तब तक उस सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं होता है। और जितने भी आसियान कंट्रीज के देश हैं उनमें कहीं पर भी कोई मानवीय संकट भी आता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसमें सभी एक दूसरे को सहयोग करेंगे, यह उद्देश्य है। आतंकवाद का सवाल हो, मैरिटाइम सिक्योरिटी का सवाल हो, मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन का प्रश्न हो, मिलिट्री मेडिसिन का प्रश्न हो, इन सब सारे मुद्दों पर खुली चर्चा इस प्लेटफॉर्म पर होती है। और जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत तो सचमुच हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए तो आसियान को एक अपना केंद्रबिंदु मानता है। इसलिए भारत के लिए तो ये आसियान की मीटिंग निश्चित रूप से अन्य देशों की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मैं आसियान कंट्रीज के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनसे बाइलेटरल भी मीटिंग कर रहा हूँ।